राहुल गांधी के बयान पर नड्डा का प्रहार। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को निंदनीय बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, राहुल का बयान सेना का मनोबल तोड़ता है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। ये तमाम बातें जो हैं वो जेपी नड्डा की ओर से कही गई है। गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वह भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है।